कि ये जो कैपेसिटर दोस्तों ये फटा हुआ है, तो ये कैपेसिटर जो कि आपका 6 MFD का है, एक कैपेसिटर हमारे हाथ में है और ये दोस्तों आपका 8 MFD का कैपेसिटर, इस तरह के कैपेसिटर को ठीक कर सकते हैं। कैश कैप को आप हटा लीजिए, बिल्कुल नए जैसा हो गया दोस्तों। इस तरह से आप भी कैपेसिटर को रिपेयर कर सकते हैं। तो कैपेसिटर खराब हो जाते हैं तो उसको हम लोग फेंक दिया करते हैं, क्योंकि उनका जो काम होता है कि मतलब अपने पंखे को हमें स्टार्ट करना है, चलाना है, या मोटर को चलाना है, स्टार्ट करना है, ये काम जब बंद हो जाता है, यानी कि बड़ी मोटर है और उसका कैपेसिटर खराब हो जाए, तो क्या होता है कि आपकी मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी। और इसी तरह से अगर पंखे वगैरह का कोई कैपेसिटर खराब हो जाता है, तो जिससे कि आपका पंखा दोस्तों दोनों तरफ चलने लग जाता है, जिधर आप उसको झाड़ू लाठी डंडे से मार देते हैं उधर ही वो चलने लग जाता है दोस्तों। आखिर कैपेसिटर जब खराब हो जाता है, तो छोटा कैपेसिटर अगर है तो उसको तो आप नया खरीद लेंगे, लेकिन दोस्तों जब बड़ा कैपेसिटर खराब हो जाता है तो उसके अंदर 200-250 रुपए भी लग जाते हैं, हमारे खर्चे आ जाता है। दोस्तों क्या हम अपने कैपेसिटर को रिपेयर कर सकते हैं? दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, बल्कि रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा भी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे हाथ में ये 3 कैपेसिटर रखे हुए हैं, तीनों में से देख सकते हैं ये वाला कैपेसिटर जो कि फट गया है। देखिए ये वाला कैपेसिटर जो कि फटा हुआ है, इसमें से ये वाला जो कैपेसिटर है दोस्तों, ये आपका कहीं से भी फटा फूटा नहीं है, कहीं से तार वार टूटा हुआ नहीं है, तो इसको भी हम अभी चेक करेंगे। और साथ ही दोस्तों ये कैपेसिटर आप देखेंगे, ये भी आपको कहीं से भी कटा फटा कहीं से कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा कैपेसिटर ठीक हो सकता है, आपको हम अड्डे पे लेकर के चलते हैं, वहाँ पे आपको चेक करके बकायदा दिखाते हैं कि कैसे और कौन सा ठीक हो सकता है। चलिए आ जाइए दोस्तों। इनमें से एक कैपेसिटर तो इस पंखे का ही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सीरीज का वायर यहाँ पे आया हुआ है। देखिए ये इसमें से अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो कैपेसिटर दोस्तों ये फटा हुआ है, तो फटा हुआ तो आप किसी भी तरह से रिपेयर ठीक नहीं कर सकते, इसको तो आपको फेंकना ही पड़ेगा, चाहे कैपेसिटर छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि दोस्तों ये जब फट जाता है तो ये कंटिन्यूटी ही आगे नहीं देता है और ये चार्ज भी नहीं होता। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको कोई भी कंटिन्यूटी देखने को नहीं मिलती है, कोई स्पार्किंग वगैरह यहाँ पे नहीं हो रही है। इसी तरह से दोस्तों आपको मैं ये कैपेसिटर जो कि आपका 6 MFD का है दोस्तों, इसको हम चेक करते हैं तो क्या पता चलता है ये कंटिन्यूटी देगा कि नहीं। देख सकते हैं ये कंटिन्यूटी दे रहा है, तो क्या ये सही है? देखिए ये पटाखा तो बोल रहा है, तो इसके अंदर क्या ठीक कर सकते हैं इसको हम? तो दोस्तों ये पटाखा बोल रहा है, पर दोस्तों ये क्या है कि ये वीक हो गया है, ठीक है। जैसे इसको मतलब जिस हिसाब से 6 MFD का होना चाहिए, तो 6 MFD का ये नहीं है दोस्तों। ऐसे में इसको हम, क्योंकि ये सही है सब कुछ, इसका कंटिन्यूटी वगैरह सब कुछ ठीक है, चार्ज भी हो रहा है, लेकिन ये वीक हो चुका है। तो दोस्तों वीक हुए कैपेसिटर को आप ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप अपनी पे आ जाएं, तो वास्तव में इसको आप रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? अगर आपके पास में इसके अंदर जो फिल्म लगती है वो सारा समान मटेरियल है, यानी कि आप नया कैपेसिटर अगर बनाते हैं, तो इसके ऊपर की प्लास्टिक बॉडी को इस्तेमाल करके इसको आप रिपेयर क्या पूरी तरह से नया भी बना सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप नया कैपेसिटर नहीं बनाते हैं, नया काम नहीं करते हैं कैपेसिटर बनाने का, तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आखिर कौन सा कैपेसिटर होगा जिसको आप रिपेयर कर सकते हैं? दोस्तों एक कैपेसिटर हमारे हाथ में है, और ये दोस्तों आपका 8 MFD का कैपेसिटर देख सकते हैं, 8 UF यहाँ पे लिखा हुआ, थोड़ा बहुत मिट गया है, पर ये लिखा हुआ है 8 है, 8 MFD का है। दोस्तों इसको भी चलिए हम चेक करके आपको दिखाते हैं कि क्या ये इसको वास्तव में हम रिपेयर कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों यहाँ पे हम इसकी भी कंटिन्यूटी इस तरह से चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ भी इसकी कंटिन्यूटी नहीं बता रही है। दोस्तों जब बिल्कुल भी कंटिन्यूटी आपका कैपेसिटर नहीं बताता है, और ऊपर से आप देखते हैं बिल्कुल सही है, कहीं से फटा फूटा नहीं है, तो ऐसे में दोस्तों आपको अपने कैपेसिटर की वायर को चेक करना चाहिए कि वायर कहीं इसकी कटी हुई तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर वीक होगा तो थोड़ा बहुत तो ये मतलब कंटिन्यूटी बताएगा, थोड़ा बहुत स्पार्किंग इसके अंदर होगी, लेकिन दोस्तों अगर इसके वायर कहीं से कटा हुआ होगा तो ये कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। और यही प्रॉब्लम दोस्तों आपके इस वाले जो कि कैपेसिटर के अंदर है, देख सकते हैं यहाँ पे ये स्पार्किंग हो रखी है, यहाँ पे तार इसका टूटा हुआ है, और यहीं से इसका जो कैपेसिटर है दोस्तों के वायर को टूटने की वजह से ही आगे कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है, कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। दोस्तों अगर इसको आप रिपेयर करना चाहें इस तरह के कैपेसिटर को, जिसका वायर कहीं से टूट गया, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। कैसे? इसके कवर को ऊपर से, इस कैप को आप हटा लीजिए, आराम से हट जाता है, वैसे चिपका हुआ नजर आता है पर ये हट जाएगा। इस तरह से टेस्टर लेकर के आप यहाँ पे ऐसे लगाएंगे और इस प्रकार से इसको निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, यहाँ पे आराम से निकालना होता है, कहीं अंदर से ना उखड़ जाए। तो दोस्तों ऐसे निकाल करके आपको देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में ये आपको वायर अंदर से आया हुआ नजर आएगा, क्योंकि ऊपर से ये जला हुआ है, ऊपर से कटा हुआ है, ऊपर से टूटा हुआ है, तो आप इसको नीचे से थोड़ा सा छिल करके इसके वायर को दोबारा जोड़ देंगे तो आपका ये कैपेसिटर ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर जड़ से ही ये खराब हो गया, यहाँ से जल गया, तो इसको आप ठीक नहीं कर सकते। दोस्तों इसको चलिए हम आपको ठीक करके दिखाते हैं, इसको कैसे छिलना है, कैसे मतलब तार जोड़ना है, और कैसे इसको हम दोबारा से मतलब नए के जैसा काम में ले सकते हैं, तो आपको हम दिखाते हैं सब करके। चलिए दोस्तों इसको रिपेयर करने के लिए आपके पास में एक आयरन होना चाहिए, जिसको गर्म करके आपको इसके अंदर टांका लगाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर में आप ज्वाइंट करके टेप नहीं लगा सकते हैं।
छिलने के दोस्तों हम इस तरह से कटर का इस्तेमाल करेंगे और बहुत आराम से बहुत बारीकी के साथ में इसको हमें छिलना होगा दोस्तों। आप ब्लेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस तरह का कटर का इस्तेमाल कीजिए जिससे कि आराम से ये छिल जाए, और कैंची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उसके अंदर इस प्रकार से स्लीव लगी हुई है, जैसे कि देख सकते हैं इससे स्लीवों के अंदर थोड़ा गैप होता है, तो यहाँ पे आप कैंची से भी इसको आप छिल सकते हैं। देखिए ये कैंची से इसके अंदर मतलब कैंची चली जाएगी, तो इसको आप इस तरह से कैंची का इस्तेमाल करके इसके कवर को हटा लीजिए और सारे दो आपकी आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। और ध्यान रखिए जब भी आप इस तरह के काम करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों करंट हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि ये चार्ज होता है, हैं, और चार्ज होते होते ही अगर ये पटाखा बोल गया, तार हट गया है, तो समझ लीजिए कि इसके अंदर करंट होगा, जो कि आप अगर दोनों हाथों से छुएंगे तो निश्चित है कि आपको करंट और झटका लग जाएगा। इसलिए इसको आप क्या कीजिए, सावधानी से थोड़ा सा मतलब खोल करके आप इसको आपस में शॉर्ट कर लीजिए पहले। तो चलिए इसको हम यहाँ से छिल लेते हैं और इसको दोस्तों हम चार्ज करके एक बार चेक करेंगे कि क्या ये सही है कि नहीं, क्योंकि कहीं हमारे तार वगैरह लगाने के बाद में पता चले कि ये शॉर्ट नहीं हो रहा, पटाखा नहीं बोल रहा, तो पता चला कि हमारा मेहनत बेकार हो गया सारा। दोस्तों इसको हम चार्ज कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे सीरीज से, देख सकते हैं अब स्पार्किंग हो रही है। अब चलिए इसको पटाखा बुलवा के देखते हैं क्या ये बोलता है कि नहीं। कैंची के ऊपर लगाएंगे, देख सकते हैं दोस्तों पटाखा बोल रहा है, इसका मतलब ये कैपेसिटर अभी ठीक है। पहले कंटिन्यूटी ऊपर नहीं बता रहा था, पर नीचे में अभी ये बता रहा है। दोस्तों इसके अंदर हम वायर कौन से लगाएंगे, तो अगर इसकी वायर सही है पहले से, क्योंकि जड़ से ही टूटी हुई है, ऊपर से कहीं से मतलब टूटा फूटा नहीं है, जला हुआ नहीं है, दोस्तों हम क्या करेंगे यहीं से इसको छिल करके देख लेंगे, अगर सही होगा तो इसी को हम लगा देंगे वापस, नहीं तो दूसरा तार भी इसके अंदर आप लगा सकते हैं अगर चाहें तो। देख सकते हैं वायरें सारी सही हैं, आपको अलग से तार लगाने की जरूरत नहीं, सिंपली इसके अंदर क्या कीजिए एक तार को ऐसे छिल करके इसको अच्छे से साफ कर लीजिए, और साफ करने के बाद में इसके अंदर आपको जोड़ लेना है। जोड़ने से पहले दोस्तों इसके अंदर आप क्या कीजिए, थोड़ा सा स्लीव लगा लीजिए, ठीक है, जैसे तारों को आपको निकाल लेना है बाहर पहले, उसके बाद में आपको इसके अंदर ज्वाइंट कर लेना है इसे। इस तरह से आप टाइट कर दीजिए, और टाइट करने के बाद में इसके ऊपर सोल्डरिंग कर दीजिए थोड़ी सी। इस तरह से आप अच्छे से इसके ऊपर सोल्डिंग कर दीजिए, सोल्डिंग करने के बाद में इसके ऊपर आपको स्लीव चढ़ा देना, स्लीव चाहे आप पीवीसी हीटिंग वाली चढ़ा दीजिए, और नहीं तो दोस्तों आपके पास जो नॉर्मल स्लीव है उसको भी आप इस चढ़ा सकते हैं। दोस्तों हमारे पास में ये हीट स्लीव है, इसको हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे और इसको गर्म कर देंगे थोड़ा सा। दोस्तों इस तरह से हमारे जो स्लीव है वो फिक्स हो गई है, ये कहीं से निकलेगा नहीं, कहीं से निकलेगा नहीं, और शॉर्ट भी नहीं होगा। अब इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके कवर को हम लगा करके ऊपर से इसको बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारा कवर बंद हो गया है। यहाँ पे आप चाहें तो ये जो स्लीव निकली थी इसके अंदर से, इसको भी आप इसके अंदर डाल करके पैक कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से देखिए दोस्तों हमारा जो कैपेसिटर है ये पूरी तरह से बिल्कुल नए जैसा हो गया, जैसे मान लीजिए कि अभी जो तार वगैरह टूटा हुआ था, जला हुआ था, वो अब नहीं है। दोस्तों चलिए इसको एक बार हम और चेक करके देखते हैं, उसके बाद इसका कनेक्शन करके पंखा वगैरह चला लेंगे चलाना। दोस्तों कैपेसिटर हमारा पूरी तरह से ठीक हो गया है, 8 MFD का कैपेसिटर, समझ लीजिए कि 100 रुपये हमारे कैपेसिटर के ही केवल बच गए हैं, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 80 रुपये का तो आता ही है ये। दोस्तों चलिए इसके ऊपर अब पंखे को कनेक्शन करके हम इसको चलाने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो पंखा है वो चलेगा। तो इसी पंखे का ये जो कि दोस्तों ये कैपेसिटर है, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लगा लेते हैं, यहाँ पे हम तार को लगाते हैं। देखिए दोस्तों उल्टा चल रहा है ये, यानी कि कैपेसिटर हमारा काम कर रहा है, पर इसका कनेक्शन हम चेंज कर देंगे तो ये सीधा भी हो जाएगा। दोस्तों अब इसके तार को हमने निकाल करके इसके अंदर जो है कि डायरेक्ट कनेक्शन लगा के इसको फुल स्पीड में चला करके देखेंगे, तो चलिए देखते हैं कि ये पूरी फुल स्पीड में चलता है या नहीं, चलाओ। दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो कैपेसिटर है ये पूरी तरह से दोस्तों ये ठीक हो गया है, रिपेयर हो गया, इसके अंदर अब कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से हमने 8 MFD का अपना कैपेसिटर जो है कि रिपेयर कर लिया है और ये ठीक हो चुका है। आपने देखा हमारा पंखा अब चलने लग गया है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। दोस्तों इस तरह से आप भी कैपेसिटर को रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।